और पत्थर डाला जा रहा है, जेसीबी डाला है, कब तक डाला जाएगा ये हम लोग का मालूम नहीं है। ये अरौली से बाड़ी पुल जाने वाली सड़क है जो पड़ौना रोड को जोड़ती है, कस्या से पड़ौना रोड को। इस पे एक साल के भीतर रिपेयरिंग का काम हुआ, फिर इंटरलॉकिंग किया गया, फिर ये चौड़ीकरण का काम हुआ। चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ तो सब इंटरलॉकिंग उखाड़ के उखाड़ दिया गया, फिर यह चौड़ीकरण किया गया। ये सारा काम कितने दिन से चला रहा है? एक साल के अंदर ही सारा काम हुआ है जी। क्या लगता है कि अलग अलग ये काम कराने में पैसे की बर्बादी? नहीं, ये जब चौड़ीकरण कराना ही था तो चिप्पी साटने और इंटरलॉकिंग करने की क्या जरूरत थी, तो पैसे की बर्बादी ही है और क्या है। तीसरी बार इसका काम लगा है, एक बार ये पीच खड़ंजे वाली है, उसका उस साइड में बाड़ी पुल से देखिए यहाँ तक इंटरलॉकिंग किया गया, अब फिर इसको तोड़ करके नए सिरे से चौड़ीकरण हो रहा है। नहीं अभी तक हम इतना इधर है न उधर, हम अभी तक नहीं देखे कहीं भी। क्या लगता है कि ये धन की बर्बादी हो रही है? पूरे धन की, सरकार के पूरे धन की बर्बादी है। ये जो योजनाएं है जो एक बार में इसको सोच करके कर देना चाहिए, कुछ डिले करके जो इंटरलॉकिंग टोटल पैसे का वेस्टेज है। तो जैसा कि हमने बताया कि एक ही साल में सड़क का तीसरी बार निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन आपको बता दें कि शासन के गाइडलाइन के बावजूद किसी भी सड़क के निर्माण के दो साल के अंदर किसी भी प्रकार का पुनर्निर्माण नहीं कराया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद इस सड़क का तीसरी बार फिर से कार्य शुरू किया गया है। लोक निर्माण विभाग की इस दरिया दिली पर सड़क से होकर गुजरने वाले राहगीर भी विभाग के इस कारनामे से हैरान है। इसी मामले में और जानकारी लेंगे, मुद्दे के तह तक जाएंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुशीनगर से संवाददाता अनुराग रंजन जी। जी अनुराग जी, मामला क्या है जहां पे साल में तीसरी बार सड़क का निर्माण हो रहा है, जबकि गाइडलाइन मिली है कि सड़क एक साल में सिर्फ सड़क का दो बार निर्माण हो सकता है। जी मैम बताना चाहता हूँ मुस्कान जी आपको कि ये क्या कहते हैं, लोक निर्माण विभाग की तरफ से ये मतलब एक साल में तीसरी बार सड़क बनाया जा रहा है, और ये लोग बता रहे हैं कि जल निगम की तरफ से ये बनाया जा रहा है और लुका छिपी चल रही है। और ये बहुत बड़ा विषय है कि 4 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए ये लोग तीसरी बार बना रहा है और इंटरलॉकिंग करा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को पता नहीं है, जैसे कोई नया निर्माण करने के लिए कि पहले आज सरकार बजट पास करती है और वहाँ बोर्ड लगाती है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि जो बगल में RCC जो बना हुआ है उसको बार बार उजाड़ा जा रहा है और उसको फिर से निकाला जा रहा है और सड़क बार बार दिक्कत कर रहे हैं लोग कि आने जाने में आगमन दिक्कत हो रही है। तो जैसा कि हमने देखा सरकार तो पूरा बजट देती है, इस पर क्या कहेंगे ऐसे जिम्मेदारों पर, कब तक कार्यवाही होगी? ये बजट तो पूरा नहीं है, लेकिन ये लोग लिपापोती कर रहे हैं और कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो जो भी अधिकारी है उनसे बात हुई है, लेकिन वो भी लिपापोती में ही जुटे हुए हैं। गाइडलाइन जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? अब ये तो सरकार ही तय करेगी कार्यवाही हो कि नहीं हो, क्योंकि गाइडलाइन तो पूरा ही नहीं हो रहा है। धन्यवाद अनुराग जी। तो जैसा हमने देखा कि सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आम जन की सुविधा को देखते हुए सड़कों के निर्माण के लिए भारी भरकम बजट तो दे रही है, वहीं कुछ अधिकारी द्वारा आपसी मिलीभगत कर बजट में मिले पैसे की लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। तो कुशीनगर का यह मामला था।